बस वृंदावन की आई लाल की, जय जय श्री राम जी। आप लोग जहाँ पर जाओ तो जहाँ पर उधर बैठ जाओ, अपना जखन आके ना सकन बस जन पर दर्शन करते हुए ठीक हो गए थे, वही खाने बस जाओ। हरे कृष्णा, सबके जखन आके सकन बस जाओ, जो जहाँ पर उधर बैठ जाओ, मायना मायना जखन आके ना उधर बस जाओ पर दर्शन करते हुए। हरे कृष्णा, दुबारा दर्शन करने वाला जो जगह रखा हो ये सही बसी बना तू पर दर्शन करने। हरे कृष्णा, हरि बोल। अरे कुछ क्या छन वैसे बस जाओ, क्या वैसे बस जाओ सर, बस सर जाओ सुनते दे। पिछले पिछले जगह से पिछले जगह से। हरे कृष्णा, हरि बोल। एवरीवन सीता ये जहां पर ना। हरे कृष्णा, हर खिलाड़ी को सर वैसे बस ए बस जाओ। हे क्लासिक करना सिखाना से ना सगर बस जा पर दर्शन करने। अरे क्या है क्लासिक करना दर्शन करके। हरे हरे कृष्णा, वही तेरे बस जाओ ना, वो वही तेरे जो पीछे जाना भी जाता है, वही तेरे जाना। हरि बोल। हरे कृष्णा, ओ मैया ने विराम दर्शन ज्ञाना जन सला गया चक्षो रुन्दिलं जेन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यशोदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्याय प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवा गौर भक्त वृंद। वहीं पर बैठ जा सबके सब, बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरि बोल। हम लोग अभी जहाँ पर आए हैं ये स्थान का नाम है बैठान। बैठान का मतलब होता है ब्रज में एक बैठान नहीं, जब हम नंदगांव गए थे वहाँ पर भी एक बैठान था, कहीं एक छोटा बैठान कहीं बड़ा बैठान है। ये बैठान में क्या होता है, मतलब ब्रज में जो सुख दुख है अगर कोई चीज हो तो यहाँ पर सारे ब्रजवासी बैठ करके ब्रज का हित और अहित करके जहाँ पर विचार विमर्श करते थे उसका नाम है बैठान। क्या क्या विचार करते थे, जिस समय कृष्ण चमला अर्जुन भजन की उसी समय फिर ब्रजवासी लोग बैठे। बोले क्यों बैठे, बोले ब्रज में जो कुछ होता है क्योंकि ये ब्रजवासी है। ब्रजवासी मतलब ये सब रागात्मिक भक्त है जिनकी कण कण में कृष्ण ही समाये हुए हैं, जिनकी कृष्ण सुख छोड़ करके जो और कुछ नहीं जानते हैं। जो कुछ विमर्श और विचार हो कृष्ण की हित के लिए सारे काम होता है। अभी ब्रज में पहले तो पुतना आ गए, फिर सकटासुर आ गया, फिर तृणावर्त आ गया, लेकिन जिस समय अभी तक तो ब्रजवासी थोड़ा शांत थे कोई बात नहीं, लेकिन जब ब्रज में जबलार्जुन वृक्ष जब टूट पड़ा सारे ब्रजवासी बोले एक साथ में सबके सब फिर बैठे बैठाने बैठ करके बोले देखो लगता है ये जो ब्रज है ये हमारे रहने का लायक नहीं रह गया। पहले तो राक्षस लोग हाथ धो करके लाला को पीछे पड़ गए थे, अभी तो यहाँ के वृक्ष भी अपने आप उखड़ करके ये लाला को ऊपर पृथ्वी गिरने लगते। लगता है ये जो गोकुल है ये ब्रज है हमारी संपूर्ण प्रतिकूल हो गया और यहाँ पर नहीं रहेगी, चलो और कहीं चले जाएंगे। खैर जो उपानंद जो वो सबसे जो बड़े गोप थे बोले देखो पास में वृंदावन धाम है जहाँ पर सुंदर जमुना नदी बहेगी, जहाँ पर सुंदर सुंदर कोयले भूखती हैं, बच्चों को खेलने के लिए सुंदर मैदान है, खाने के लिए फल है, गैया को खाने के लिए घास, चलो वृंदावन में चल जाते हैं। बोले चल क्यों, आज ही चलो पूरा ढिंडरा पिटवा दो, हम सबके सब चलेंगे कहाँ, सबके सब वृंदावन में चलेंगे। ये सब विचार होता था। और कभी कभी विचार होता था जिस समय अभी हम लोग कहाँ से आए, चावट से आए, जिस समय अभी राधा कृष्ण के शादी की बात हो रही
अभी इनके बात कर कर पत्नी होने जा रही थी, शादी राधा कृष्ण की शादी हुई, लेकिन जब शादी होने की विचार होने जा रही थी फिल्म में जोग माया जो कृष्ण लीला की सब कुछ काम करने वाले, उन्होंने देखा अगर इनकी शादी हो गई फिर तो इनका जो मिलन का जो उत्कंठा है ना, ये उत्कंठा संपूर्ण समाप्त हो जाएगा। वो तो नित्य गोलोक वृंदावन में प्रिया प्रियतम रूप में दिख गई है, लीला विलास तो करते हैं, अगर यहाँ पर भी अगर ऐसे हो गया ना फिर तो बता रहे ना बात्मता दुर्लभता है इस बात सुन रहे थे ना, फिर तो सर नष्ट हो जाएगी। इसलिए बोले जय जय चोड़ रस सर पर ससार पर ब्रजे के प्रत्याश नष्ट हो जाएगी। इतने में पौर्णमासी ने आकर के बोले नंद बाबा को बोले और वृषभानु महाराज को, देखो ये लड़का लड़की शादी मत करवाया करो, ये लड़की मांगली अगर इसको साथ में शादी होगा ना जिंदगी भर पति पत्नी जो ना लड़ते रहेंगे, इनका शादी का जीवन सुख नहीं होगा, इसलिए खबरदार इनकी शादी मत कराओ। फिर तो सोचने लगे हैं हमारे भारत देश से नहीं, हाँ डाइवोर्स कर दो। इसलिए अभी अभी बड़े चिंता में पड़ेगी, अगर क्या करें फिर बैठान में बैठते तो फिर विचार होता है फिर इनकी शादी कहाँ कराई जाए। बोले देखो पास में एक जावट है, वहाँ पर ही वो लोग भी पाँच भाई है, उसमें एक आया ना घोष उसका नाम अभिमन्यु है, वो भी बड़े धनाढ्य घर के बच्चा है। आप अगर बेटी को अगर वहीं पर शादी दोगे ना आपका बेटी बड़े शांति और सुख में रहेगा। ये जब बात हो गई फिर राधा रानी ने जो पता चला कि शादी हमारे कृष्ण के साथ में नहीं होगी और ये अभिमन्यु के साथ में होगी, जब कृष्ण के साथ में राधा रानी लिखती है कहते हमने क्या सुना शादी आपसे नहीं होगी, ये आयना घोष अभिमन्यु के साथ में होगी। इतने में कृष्ण बोले देखो कोई चिंता मत करो, मैं ही ये रूप धारण किया हूँ, केवल ये परक या रसायन स्वादन करने के लिए ये जोग माया की ये व्यवस्था है, इसलिए कोई चिंता मत करो। ये बैठाने में बैठ करके ये सब विचार होता था। फिर कृष्ण जब गिरिराज गोवर्धन धारण किए, जब गिरिराज कृष्ण गोवर्धन धारण किए कितना दिन तक धारण किए, 7 दिन तक गिरिराज पूजा किया, 7 साल का बालक और 7 वर्ष हरे कृष्ण खत्म होती जा रही, हरे गोविंद हरे कृष्ण ये सात हरे कृष्णा हरिओम ये 7 दिन तक हरे कृष्णा हरि बोल। देखो जिस समय कृष्ण चुप हो जाओ बसो बस जाओ कृष्ण राधा हरि बोल हरे कृष्णा चाइनीज लोग छोटा माइक नहीं लाई चाइनीज हरि बोल हरे कृष्णा सुन लो जिस समय कृष्णा जिस समय कृष्ण गिरिराज गोवर्धन उठा लिया उसी समय फिर बैठान में सबके सब बैठे, सारे जितने ब्रजवासी लोग थे नंदा और जसोदा को बुलाए, बोले देखो अभी तो मान जाओ कृष्ण भगवान है, पहले तो मान जब पुतना मारे तभी समझे नहीं, जब सकटा स्वरूप मारे तभी नहीं समझे है, लेकिन अभी तक कम से कम कृष्ण को भगवान मानो, अभी तक कम से कम है। देखा कृष्ण कितने छोटे बच्चे थे और इतना बड़ा गिरिराज उठा लिया 7 दिन तक, इंद्र भी जिसकी चरण में आकर के माफी मांगने लगे। देख लिया ना अपना आंखों से, अभी भगवान मान लो, तुम्हारे बेटा साधारण नहीं ये भगवान है। जब इतना बात सुना है ना नंद बाबा को कहते श्री नंद बाबा तो हा करते बड़े जोर से नंद बाबा हा लगा कर हंसे, बोले देखो अभी तक
कहते अभी तक तो मेरे लाला ये ब्रजवासियों को विपत्ति से उधार किया, अभी मेरे लाला को ऊपर विपत्ति आ गई। मतलब है ब्रज देश का ना पागल कब कर हरे कृष्ण, कहते ये कहते अभी तक तो मेरे लाला इनको विपत्ति से उधार की कब कर, लेकिन अभी मेरे लाला के ऊपर में विपत्ति आ गई। कहते ब्रज में इसका मतलब हरे कृष्ण, भले ब्रज में अगर कृष्ण को कोई भगवान बोलते हैं, कहते मानो ब्रज में विपत्ति आ गई है, मतलब कोई कृष्ण को भगवान को ब्रज में भगवान मानना नहीं चाहते। क्यों? यहाँ पर संपूर्ण रूप में शुद्ध रूप में सख्य रस है, बात्सल्य रस और मधुर रस है, हैं? यहाँ पर कोई कृष्ण को सखा मानता है, कोई कृष्ण को लाला मानता है और कृष्ण को कोई प्रियतम मानते हैं। यहाँ पर कृष्ण को कोई भी भगवान मानना नहीं चाहते, क्योंकि भगवान में मानने पर जो माधुर्य है वो माधुर्य नष्ट हो जाती है, इसलिए कोई भी भगवान मानना नहीं चाहते कृष्ण को। इसलिए बोले मेरे लाला को ऊपर विपत्ति आ गया। हाँ, इतने में मैया जसोदा नंद बाबा को बुलाए, माफ करो अरे नंद बाबा मैया जसोदा को बुलाए। नंद बाबा ने कहा तुमको पता है कन्हैया घर में कितना नटखट करता है, भगवान कभी चोरी करते हैं? भगवान कभी चोरी करते हैं? कभी कभी भगवान चोरी नहीं करते, और भगवान कभी क्रोध आता है? अगर थोड़ी सी मक्खन मिश्री देने में लेट हो जाए ना, जितने मटकी फटकियों को ये फोड़ फाड़ देता है, पूरा के पूरा मक्खन के मक्खन खा लिया। भैया ने पूछा लाला तेने मक्खन खाई? सीधा कृष्ण झूठ बोल देते हैं, बोले भैया मोरी मैं नहीं मान गायो, सुन भैया मोरी मैं नहीं मान, सीधा झूठ बोल देता है, मिट्टी को पूरा के पूरा मिट्टी खा लिया। मैया ने पूछी तेने मिट्टी खाई? सीधा बोलती है मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। भगवान कोई झूठ बोलते हैं? ये बात बात में क्रोध, बात बात में झूठ इसको बोलते रहता है। बोले देखो कम से कम हमारी बात छोड़ दो, गर्गाचार्य की बात तो सुनो कि नहीं? बोले हाँ। बोले गर्गाचार्य त्रिकाल दृष्टा है, गर्गाचार्य कृष्ण का जब नामकरण हो रहा था, गर्गाचार्य ने उन्होंने जो चार्ट बनाया था ना कृष्ण के लिए, कृष्ण कौन है कब क्या था नहीं था, उन्होंने पूरा के पूरा वो चार्ट लेकर के आए कि बहुनी संति नामानी सुत सतत आत्मज। बोलिए हर जन्म में कितने नाम कितने रूप कितने गुण, हर अवतार में ये आता है, इसलिए आसन बरनास जस्य गृण तो अनुजगम तनो शुक्ल रथा बीत इधानी कृष्ण दाम। ये जो बच्चा सत्य युग में ये शुक्ल वर्ण धारण करके आया था, तृतीया युग में रक्त वर्ण धारण करके, द्वापर कलि युग में श्री सचिनंदन गौरव हरि बन करके आएगा श्री महाप्रभु, और इधानी अभी ये कृष्ण दाम गत अभी ये कृष्ण बन करके आया है। हाँ, इस बात को मानोगे? देखो ये क्या कहते हैं, बोले नारायण समगुण ही। उन्होंने ये जो श्लोक है, हाँ, इसका दो अर्थ होता है। गर्गाचार्य जो त्रिकाल दृष्टा वो कह रहे थे नारायण समगुण ही, मतलब है वो कह रहे जो नारायण है उसका अंदर में जो गुण है, तुम्हारा जो बेटा है ये सर्व कारण का कारण है। हाँ, ये ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि गोपित सर्व कारण कारण, ये कारण का कारण, लेकिन ये जो नारायण है उसका कुछ अंश ही नारायण में, ये नारायण पूर्ण नहीं वो कृष्ण का अंश कुछ नारायण में, ये तो गर्गाचार्य करना चाहते। लेकिन नंद बाबा ने क्या सोचा? बोले नारायण सम गुण ही है, कहते कभी कभी नारायण का जो गुण है ना तेरे लाला को अंदर में कभी नारायण का गुण आ जाएगा। नंद बाबा ने ये चीज को समझा, इसलिए ये चीज को समझ करके बोले गर्गाचार्य से तो झूठ बोल ही नहीं सकते, मेरे लाला कितने छोटो सो, हाँ, 7 साल का लाला ये कभी गिरिराज उठा सकता है? कभी इन्हें कभी नहीं उठा सकता है, ये कभी राक्षसों को ये कभी नहीं मार सकता है। ये जो कभी कभी इनको अंदर में जो ऐश्वर्य दिखता है, जो नारायण है, कभी कभी मेरे लाला को अंदर में ये नारायण प्रवेश करते हुए सारे काम को करते हैं, ये बात तो मानोगे कि नहीं? हाँ, ये बात तो मानना पड़ेगा, ये बात क्यों बढ़ना चाहते तो झूठ नहीं बोलेंगे, पर ये बात तो मानना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर बैठ करके ये सारी बात यहीं पर हुआ करता था, इसलिए स्थान का नाम है बैठान।
बलदेव प्रभु का कैसे कल्याण हो, कृष्ण का कैसे कल्याण हो। इसलिए अलग अलग जहाँ जहाँ पर ब्रज में कृष्ण बलराम के विषय पर इनका कैसे अच्छा हो, जहाँ जहाँ बैठ करके विचार करते थे वो सारे स्थान का नाम बैठा नाम रखे। अपना बुझते भर ले स्थान नाम हम लोग बैठा।